जैसे आप अंदर आते हैं तो आपको मिलेगा ये पार्किंग की जगह, जहाँ पे आप देख रहे हो चारों तरफ आपको सिर्फ पेड़ पौधे मिलने वाले हैं, जहाँ पे आप एकदम क्लाउडी और एकदम ठंडक सा महसूस करोगे। तो गाइस अगर आप आते हैं चिड़ियाघर घूमने के लिए, अगर आप टू व्हीलर से आ रहे हैं तो वही पार्किंग जो पड़ेगी आपकी पड़ेगी 30 रुपए की। और पार्किंग की बात करें तो काफी ह्यूज पार्किंग है करोगे। सेकेंड और चीज, अगर आप आते हो साइकिल से तो साइकिल के जो चार्जेस है वो 10 रुपए हैं, मोटरसाइकिल के जो है 30 रुपए, आप कार से आ रहे हो तो आपके 50 रुपए, और अगर बाहरी वाहन मतलब ट्रक या बस से आ रहे हो तो आपको वही जो चार्जेस पड़ेंगे वो 250 रुपए पड़ेंगे। ये है आपकी फोर व्हीलर पार्किंग जो कि मेरे सामने देख पा रहे हो, काफी ह्यूज है, काफी बड़ी है, और उसी के जस्ट बगल में आपको मिल जाएगा एंट्री गेट और टिकट काउंटर। So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say, yeah I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah I'ma do it my way. So guys अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, so ये है आपका entry gate. So जब भी कोई person अंदर आएगा तो आपकी पहले checking होगी, bag की bag लेके bag checking होगी। सो जैसे आप अंदर आते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार व्यू दिखेगा अंदर आते ही, जो कि आप मेरे सामने देख पा रहे हो। और गाइस अगर आप नीचे अंदर आते हो जैसे ही आप, तो आप मेरे लेफ्ट साइड पे देखोगे तो यहाँ पे 12 साल के बच्चों के लिए खेलने के लिए यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं, जो कि अभी बंद है क्योंकि अभी अभी जो टाइम हो रहा है आपका वो अभी लगभग 11 बजने वाला है, तो अभी ऑलमोस्ट काफ़ी रश नहीं है, खाली है। तो आप एंट्री लेते ही आपको वॉशरूम की फैसिलिटी मिल जाएगी, जो कि पुरुष और महिला दोनों के लिए ही अवेलेबल है, और बगल में जो कैंटीन है वो अभी बंद पड़ी हुई है। सो ये है कुछ एंट्रेंस। सो हेलो माय वाईटी फैमिली, नमस्कार, सत श्री अकाल। सो मैं आपका दोस्त विशाल आपका स्वागत करता हूँ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में। सो आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर हम आए हैं जू, जिसको हम चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं, और ये इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट जू है, चिड़ियाघर है अपना, जो कि कानपुर में स्थित है। हाँ, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। तो चलिए आरंभ करते हैं। हाँ, वन मोर थिंग गाइज, अगर आप जू पे आना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली नवाबगंज से होकर आना पड़ेगा, या तो आप लोकेशन में डाल के भी आ सकते हो। सो काफ़ी ईजी है, नवाबगंज से बस आपको राइट लेना आके चौराहे से, सो आपको डायरेक्टली जू की लोकेशन जो है मिल जाएगी। तो गाइज ये जो झलक है थोड़ा मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, ये है जंगल सफारी की झलक, जो कि अभी हम इस वीडियो के एंड में आपको पूरा दिखाने वाले हैं कि जंगल सफारी कैसा है। सो अगर आप बात करें अगर थोड़े चार्जेस की, तो अगर की जो कि पड़ी हमें 70 रुपए की, तो 70 रुपए चार्ज है आपके आपके एंट्री के, और छोटे बच्चे के साथ आ रहे हैं तो उसकी जो चार्जेस हैं वो 35 रुपीज़ है, और अगर बच्चा 5 साल के नीचे है तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे। और गाइस अगर आप DSLR लेकर आ रहे हो या कैमरा लेकर आ रहे हो तो उसके लिए अलग एडिशनल चार्जेस हैं, जो कि आपके पड़ेंगे 100 रुपये। आज है सैटरडे और रश की बात करें तो बहुत ही कम रश है। गाइस अभी थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे, मुझे एक बहुत प्यारी लाइन दिखी, यहाँ पर लिखा है कि हमारे घर में आपका स्वागत है, हमारी आपसे विनती है कि प्लास्टिक बॉटल मतलब ये सब चीज़ें ना फेंकें, क्योंकि हमें भी जीने थे, क्योंकि इनकी भी ज़िंदगी है बेजुबान की। आप अंदर आएंगे तो आपको सबसे पहले दर्शन होने वाले हैं बतख के। सो ये है चमकती दमकती एकदम सफ़ेद बतखें, कुछ सुबह का टाइम है तो अभी स्नान ले रही हैं, वहाँ पे एक झुंड बैठा हुआ है बतख का। इस अंदर आते हो तो आपको पूरा का पूरा नक्शा आपको दिख जाएगा, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि
सीरियल वाइज आपको सब चीज़ें दे रखी हैं कि पहले आप एंट्री लोगे तो क्या मिलेगा। पहले था चिल्ड्रंस पार्क जो आपको मैंने दिखाया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस था, डक हाउस था जो कि मैंने दिखाया, क्रोकोडाइल फिर आगे मिलेंगे, मंकी हाउस मिलेगा। तो ऐसे ही करते हो, लिस्ट ऑफ नेम्स है जो आपको मिलते रहेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे हर एक चीज़ भी यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पर जैसे कि पीने का पानी है, जलवान ग्रह है, कैंटीन है, रेस्टरूम्स हैं, ट्रेन ट्रैक है जो भी बंद पड़ा हुआ है फॉर सम रीजंस। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर आके देख सकते हो और फिर एक्सप्लोर कर सकते हो अपना ज़ू में। सो गाइस अभी हम आ गए हैं आपके एडवेंचर पार्क, सो आइए इसको भी दिखाते हैं। गाइस अगर आप एडवेंचर पार्क में आते हैं तो आपको जो भी ये जो बैलून वाला जो गुब्बारा है जिसके अंदर बच्चे जहाँ पे खेलकूद करते हैं, तो इसकी टिकट की बात करें तो ये आपका 0 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए जो टिकट रहेगी वो रहेगी 50 रुपये। एडवेंचर पार्क है ये आपके छोटे बच्चों से लेके बड़े लोगों के एडल्ट सबके लोगों के लिए है। जैसे कि ये स्टार्टिंग में जैसे आप प्रवेश करते हो तो यहाँ पे आपको मिलेगा बच्चों के लिए झूले और यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी, और इसी की आप थोड़ा सा आप आगे जाओगे तो वहाँ पे आपका एडल्ट्स के लिए भी है। तो चलिए आगे चलते हैं। एंड गाइस आपको यहाँ पे कैंटीन की सुविधा भी है एडवेंचर पार्क के अंदर ही, जहाँ पे आप आराम से अपना स्नैक्स, मैगी और जो भी चीज़ें आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। जो आप मेरे सामने देख पा रहे हो ये है आपका एक सेक्शन जहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे रस्सियाँ बंधी हुई हैं, यहाँ पे लोग चढ़ के उतरते हैं, और इसी के बगल में हर पेड़ के नीचे एक टायर बांध रखा है, और ये है एडल्ट्स का आपका एरिया। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं आपके एडल्ट सेक्शन में, जहाँ पे एडवेंचर पार्क के अंदर आप यहाँ पर आओगे तो आप देख पा रहे हो टिकट के जो चार्जेस हैं वो 100 रुपये है। वार्निंग भी दे रखी है कि अगर आप बिना हेलमेट के या चढ़ते हैं किसी भी बिना बेल्ट के तो आपको 200 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। जो आप देख पा रहे हो ये है आपका जिप लाइन सेक्शन, जिसके चार्जेस जो हैं आपके वो 100 रुपीज़। अभी चलते हुए हम अंदर आ गए हैं, और यहाँ पर आने के बाद मैंने एक चीज़ बहुत नोटिस करी कि यहाँ पे साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा है और बाकी ग्रीनरीज भाई साहब बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे बिल्कुल भी गर्मी ही नहीं लग रही है। जैसे कि मैं बताऊँ ये अप्रैल का मंथ चल रहा है, 21 अप्रैल है आज 2023, और इस टाइम पे भी बहुत ही ज़्यादा क्लाउडी सा मौसम है। बहुत ही अच्छा मौसम है क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ देखो तो सिर्फ और ग्रीनरीज हैं। और बात कर लेते हैं यहाँ की टाइमिंग की, तो टाइमिंग जो है आपकी मॉर्निंग की जो खुलने की वो है 9:30 बजे, और ये आपके 6 बजे तक खुलता है और 6 बजे के बाद ये बंद हो जाता है। गाइस वन मोर थिंग, ये जो आपका ज़ू है ना, ये आपका इंडियाज़ 3rd लार्जेस्ट ज़ू है जो कि 76 हेक्टेयर में फैला हुआ है। सो ये काफ़ी अच्छी बात है कि कानपुर में इंडियाज़ का 3rd लार्जेस्ट ज़ू है, जिसको घूमने के लिए भी काफ़ी दिन पूरा दिन चाहिए आपको। हाँ, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि इसकी पीछे एक स्टोरी है। ये 1913 में आपके जब ब्रिटिश रूल चल रहा था तो उस टाइम पे आपके सर जॉर्ज एलन ने इसकी स्थापना करवाई थी, मतलब इसको खुलवाया था, जो कि 1918 तक था। जब इंडिया जब आज़ाद हो गया था उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको 1974 में लोकल पब्लिक के लिए भी लागू कर दिया गया था, मतलब 1974 में लोग आके यहाँ पे घूम सकते थे। सो 1900 के चलते आपको हर जगह पे सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जिससे कोई भी अनहोनी ना हो। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो आप यहाँ पर आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हो, जो कि www.kanpurzoo.org के नाम से है। वहाँ पे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए गाइस चलते हैं हम लोग मंकी हाउस, और थोड़े बंदर भी देखते हैं चल के। हाँ आए तो हैं बट यहाँ पे मंकी नहीं है, आई थिंक गर्मी की वजह से शायद वो लोग अंदर चले गए हैं। तो चलिए आगे और एक्सप्लोर करते हैं, शायद आगे वाले में हो। कहते हैं कैपुचिन बंदर, जो कि आपका इनका जो मुंह होता है वो थोड़ा सफ़ेद होता है, जो कि थोड़ा सा छुप रहा है। पे देख पाओ तो यहाँ पे देखो कितने सारे वेजिटेबल्स हैं, इतने तो घर पे भी नहीं होते जितने तो इनको दिए गए हैं। क्या बोला तूने? पूरा जो आप देख पा रहे हो पूरा केज बना रखा है। सो चलिए अंदर देखते हैं पशु पक्षी को भी। देख पा रहे हो मेरे जस्ट ऊपर बैठा है मोर, बस कुछ घिरा ना दे। ये आगे हैं केज के अंदर, और ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर काफी सारी प्रजाति है यहाँ पर डक की भी। ये जो केज है पूरा चारों तरफ से बंद रखा गया है, और पूरा ये केज बना रखा है केज के तरीके से, क्योंकि ये सब जितने भी पशु पक्षी हैं सब उड़ने वाले हैं, तो इनके लिए पूरा यहाँ पे पूरा बना रखा है इस तरीके से।
भाई जो आप मेरे सामने देख पा रहे हो ये आपने डिस्कवरी में बहुत देखा होगा, इनके जो पूरा मुंह होता है इन्हीं के थ्रू ही खाते। अच्छा, और इनका जो नीचे का जो पार्ट होता है काफी सॉफ्ट होता है। गजब के सुंदर दिख रहे हैं, कितने ही ज्यादा सुंदर नजर आ रहे हैं, अद्भुत। सामने देख पा रहे हो ये देखिए आप, मोर जो है अपने पूरे पंख फैलाते हुए, और कितना ही ज्यादा शानदार और सुंदर नजर आ रहा है, जैसे कि हमारे लिए पोज। चिड़ियाघर में ये पूरा इकलौता केज है जिसको पूरा बंद रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे जितने पशु पक्षी हैं वो सारे उड़ने वाले हैं, जैसे कि आप मेरे सामने मोर देख पा रहे हो, और जितनी भी मैंने प्रजाति दिखाई है जो कि आपको बहुत ज़्यादा अद्भुत लगी होंगी देखने में, और जो आँखों से देखने में और सामने देखने में फ़र्क आता है वो यार अलग ही। डिस्कवरी में बहुत देखा होगा टर्की बर्ड को, तो आ जाइए यहाँ भी देख लीजिए। बर्ड फेमस इसलिए इनकी जो चोच होती है वो एकदम लटकती रहती है, काफी आपने बर्ड देखी होंगी जिनकी चोच बहुत टाइट होती है, अगर चलती है इनकी चोच भी हिलती है। हंसी है नहीं, नजारे लीजिए। गाइस आइए दिखाते हैं आपको तितर 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 आगे तितर तितर के दो पीछे तितर सब एक दूसरे के भीतर सब एक दूसरे के भीतर। यह है आपका स्ट्रक्चर राइनोसोरस का, इसके पास जाना सख्त मना है क्योंकि वो आपको देख रहा काट भी सकता है। आपको काले भालू के दर्शन जो कि मेरे सामने है, चलिए आइए। यह है कुछ डिटेल्स आपके काला भालू की जो आप स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके देख सकते हो। इस काला भालू जो है मुझे दिख तो रहा है, एक बार मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। वो एकदम अंदर है, शायद मे भी विजिबल ना हो रहा हो, शायद अब थोड़ी गर्मी बढ़ रही है तो शायद इसलिए मैं भी अंदर चले गए हूँ केज के। देखने के बाद जैसे थोड़ा सा आगे आते हो यहाँ पे मिलेगा आपको एक चौराहा, जिसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पे कैंटीन्स बहुत सारी, जिसमें आप काफ़ी सारा ब्रेकफास्ट अपना लंच, साथ में आपको वॉशरूम की भी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर। सो ऐसा कुछ यहाँ पे दिखता है, तो चलिए हम भी कुछ खा लेते हैं। गाइस अभी हमने ऑर्डर किया है पैटीज और माजा, तो अभी हम घर से नाश्ता करके आए थे तो थोड़ा बहुत खा लेते हैं फिर चलते हैं आगे। 5 minutes later गाइस अभी हल्का फुल्का स्नैक्स खाने के बाद हम निकल चुके हैं, और यहाँ के चार्जेस की बात करें कैंटीन की तो यहाँ पे जो पैटीज हमने आलू पैटीज दी थी वो 30 rupees की थी, और ठीक है अगर आप आ रहे हो तो टेस्ट भी इतना था कुछ कुछ खास नहीं था, बट ठीक है अगर पेट भरना है तो आप यहाँ पर आके अपना एंजॉय कर सकते हो, खा पी सकते हो। बाकी अभी हम जिस डायरेक्शन पे जा रहे हैं वो डायरेक्शन जो है आपके टॉय ट्रेन की तरफ है, लकड़बग्घा और लेपर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं। तो गाइस ये जो आप केस देख रहे हो ये है आपका तेंदुआ और पैंथर का। ये जो इनकी प्रजाति होती है तेंदुए की काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं ये, और ये पेड़ पे चढ़ने के बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो डबल रिंग जो है लगा रखी है इनके लिए। जैसे कि आप आवाज़ सुन पा रहे हो तेंदुए की आवाज़ आई है, आ चुके हैं हम राइनोसोरस बोले तो गैंडा के पास। ये जो है आपकी शाकाहारी प्रजाति है जो कि ज्यादातर घास फूसी खाते हैं ये, जैसे कि आप देख पा रहे हो। चलिए खाने देते हैं इसको और हम चलते हैं आगे। चुके हैं चलते हो आगे, और यहाँ मिलेंगे आपको इंडियन वुल्फ बोले तो भारतीय भेड़िया की जो है आराम फरमा रहे हैं आगे, जो कुछ हद तक डॉग्स की तरह दिखते हैं पर हम लोग को भाव तक नहीं दे रहे। सो गाइस चलते हम काफ़ी आगे आ गए हैं, और टाइम जो हो रहा है आपका 1 बज गया, बट अभी भी प्रेजेंट टाइम पे भी धूप बहुत ना के बराबर लग रही है और बहुत ही प्लीजेंट मौसम हो रहा है इस टाइम पे। सो चलिए और आगे देखते हैं और क्या क्या मिलेगा आगे, अभी तो आधा भी कवर नहीं हुआ हम लोग। सामने देख पा रहे हो लकड़बग्घा जो कि अपने होल में जा रहा है कुछ भी। हमने जो ट्रैक देख पा रहे हो ये जो है आपका टॉय ट्रेन का है जो अभी है आपकी बंद। लकड़बग्घा देख के तो बाहर ही निकले थे और हमें मिल गया यहाँ पे टॉय ट्रेन का ट्रैक। गाइस फॉर सम रीजंस यहाँ पे जो टॉय ट्रेन है वो भी बंद कर दी गई है कुछ टाइम पहले ही, और पहले टॉय ट्रेन जो चलती थी यहाँ पे आप पूरे ही जू का आप भ्रमण कर सकते हो, मतलब पूरा जू आप घूम सकते हो,
बट अभी किसी कारणवश जो है आपकी टॉय ट्रेन जो है बंद है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ट्रैक जो है ट्रैक के ऊपर ही पूरे काफ़ी पेड़ पौधे आ गए हैं। इसका मतलब यह है कि काफ़ी महीनों से ये बंद रखी हुई है। और चलिए आगे और भी चीज़ें हैं, बाकी इन फ्यूचर अगर आकर टॉय ट्रेन खुलती है तो आपका ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो आप आके यहाँ पे अपना टॉय ट्रेन के मजे कर सकते हो। सो गाइस ऐसा आप देख रहे हो डायनासोर्स के यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बने हुए हैं जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। मेरे सामने देख पा रहे वो है आपके सांभर। आपने क्लिप्स पे देखा ये है सांभर और ये कब से काफ़ी ज़्यादा शांत प्रजाति होती है और शाकाहारी भी होते हैं। और उनके पास में ही आप देखो एक इंसान जो है साथ में बिल्कुल घूम रहा है उसके, जो कि अभी चारा दे रहा है। आई थिंक कल लंच का टाइम है। थोड़ा और आगे चलेंगे तो आपको कैंटीन एक और मिलेगी जो कि टॉय ट्रेन स्टेशन के पास में ही है, जो कि मेरे पीछे है। यहाँ भी सेम आप अपना स्नैक्स जो है ले सकते हो, खा पी सकते हो। यहाँ भी आपको वॉशरूम की फैसिलिटी भी दी गई है। मिल जाएगा रात्रि चर ग्रह जो कि यहाँ पे उल्लू शायद यहाँ मिलेंगे, आउल्स। चलिए एक बार देख कर आते हैं। जैसे ही आप देख पा रहे हो यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है अंधेरा रखा गया है। सो आगे आने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हो ये आपको मिल जाएंगे आउल। अंधेरे में से रखा गया बिकॉज इनको जो है रात को ही दिखाई देता है। सो ये तीनों के तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। यहाँ से जो है आपकी एंट्री होती है, प्रवेश ग्रह यहाँ से है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं सांपों को। सो ये है इंडियन ब्राउन कोबरा। पर रसल वाइपर है, ये सबसे ज़्यादा प्रजाति जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है पूरे वर्ल्ड में। इनके एक बाइट से ही इंसान 10 मिनट के अंदर मौत हो जाती है। सो ये जो है इनकी जो पीछे की पूंछ होती है उसकी आवाज़ करती है और ये संकेत होता है कि ये जो है गुस्से में है। ये है जो इंडियन ब्लैक कोबरा, जो लोग काफ़ी लोग इसको मानते भी हैं। तो आइए इसको भी देखते हैं। सो यहाँ पे जो है दो मटके बने हुए हैं, एक वो है और एक ये है। दोनों जो है मटके के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है इंडियन रॉक पाइथन भी है जिनकी विशाल आकार है इनका। गाइस ये देखिए कितना ज़्यादा विशाल इनका लंबे चौड़े कितने हैं। और गाइस वो जो आप देख रहे हो सामने उसका साइज तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ये देखिए आए थे हिप्पो देखने के लिए, बट यहाँ तो ये खुद शर्मा के पानी के अंदर घुसे हुए अपनी पीठ दिखा रहे हैं। ओ भाई साहब इन्होंने मुंह दिखा दिया अपना। आई थिंक मेरी बात सुन ली इन्होंने। पहली फाइनली मशक्कत के बाद हम आ चुके हैं उस जगह पे जहाँ पे मिलेगा हमें बब्बर शेर। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बब्बर शेर के केज के पास। और भाई बहुत ज़्यादा चलना पड़ा इसको देखने के लिए, बस अब दिख जाए बब्बर शेर, क्योंकि 2 बजे का टाइम है। शायद हो सकता है कि वो अंदर जाके बैठ गया हो, बट चलो यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा बहुत तो देख के जाएंगे, चाहे पूछ क्यों ना देख। सो गाइस अभी जैसे टाइम हो रहा है आपका 2। सो ये जो टाइम होता है इनका सुस्त हो जाके सोने का टाइम होता है। सो यहाँ पे लकड़ी के नीचे हो जो कि मेरे आप सामने देख पा रहे हो, शायद जितना जूम करूँ शायद आपको ना दिखे, बट है वो इसके नीचे ही। यहाँ पे सिंगल ही बब्बर शेर था और इसके बाद हम आगे जा रहे हैं एक वाइट टाइगर देखने के लिए। और आई थिंक यहाँ तक आपको व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करते जाना, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लग रही है और धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है। यार देखिए कितना प्यारा ब्रिज है यहाँ पर। और यार एक बात तो मैं कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो ना तो कम से कम टाइम लेकर आना।
अगर आप सुबह के टाइम आ रहे हो तो मैं प्रीफर करूँगा आप 10 बजे या फिर 11:30 तक आप आ जाओ, क्योंकि धूप भी कम मिलेगी और कम से कम आपसे 5 से 6 घंटे का टाइम ज़रूर लेकर आना, क्योंकि इसको एक्सप्लोर करने के लिए आपको कम से कम 5 से 6 घंटे टाइम चाहिए होगा। खा पी कर ज़रूर आना क्योंकि एनर्जी भी बहुत जाएगी। और बाकी आप खाने पीने के लिए भी आप सामान ला सकते हो, खाने पीने का आप खाना भी ला सकते हो और आप वाटर बॉटल भी इजी ला सकते हो। बाकी आप अंदर कुछ लाते भी नहीं हो तो आपको कैंटीन्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप हर आधे घंटे के अंदर 1 किलोमीटर के आगे आप आराम से अपना खा पी सकते हो। तो गाइस अभी हम आ गए हैं बाघ मतलब टाइगर देखने के लिए। सो गाइस एज यूजुअल टाइम के हिसाब से सारे लोग अभी सो रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो सामने विजिबल नहीं होगा बट सो रहा है भाई टाइगर। ऐसा बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मेरे को और अभी भी मैं बोलूँगा कि धूप काफ़ी तेज़ है बट लग नहीं रही है। और 3 बज रहा है अभी, हम लोग आए थे 10 बजे तो ऑलमोस्ट 5 घंटा लगा हमें खाली चिड़ियाघर कवर करने में। तो अभी इस ब्लॉग को हम करने वाले एंड आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, काफ़ी सारे जानवर पशु पक्षी दिखाए हैं और इस वीडियो में काफ़ी मेहनत भी लगी है, तो इस मेहनत के लिए ज़रूर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलो इस वीडियो करते हैं एंड, आई होप ये वीडियो को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं हम एक और नए ब्लॉग में, टिल देन साइ।